दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी की जानकारी आपके लिए लेके आई है, जिसके लिए सबसे पहले तो आपको एंजल वन एप्लीकेशन पे आ जाना होता है और यहाँ पे वॉइस लिस्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। हमने यहाँ पे उस स्टॉक को एड करके रखा है जो सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। इस समय इस स्टॉक की जो वैल्यू चल रही है ये 7215 रुपीज़ पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक में डिविडेंड और क्वार्टरली रिजल्ट को लेके खबर हमें देखने को मिलने वाली है। इसके लिए जो डेट शेड्यूल की गई है यह 28 अप्रैल की डेट शेड्यूल की गई है, तो 28 अप्रैल में आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। स्टॉक पे अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसमें हम इसका स्टॉक डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका फंडामेंटल जानकारी कि कंपनी जो है एक दिग्गज कंपनी है, जो एक लार्ज कंपनी है। यह इसका मार्केट कैपिटल 210,161 करोड़ का है। यह सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। वन ईयर में से 20% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अपने सेक्टर में इसने 13% से ज़्यादा के रिटर्न दिए है और मार्केट में 8% से ज़्यादा के शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम फंडामेंटल रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो ये 34.61 पे कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.05 की मेंटेन की हुई है। साथ ही कंपनी 0.53% के डिविडेंड यील्ड भी रखती है। आरओसी 12.49% का मेंटेन करते हुए चल रही है। आरओई 12.95% का मेंटेन कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम एक नज़र डालें तो दिसंबर और सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन एफआईआई ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग में 0.06% का चेंजेस किया है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को 1.08% से बढ़ाया है। वहीं पे इंश्योरेंस कंपनी ने 0.85% से अपनी होल्डिंग को घटाया है। अदर डीआईआई ने 0.12% से अपनी होल्डिंग को कम किया है। वहीं पे नॉन इंस्टीट्यूशन ने 0.17% से अपनी होल्डिंग को घटाया हुआ है। इसके साथ ही अगर आप इस स्टॉक में डिविडेंड के और रिजल्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नीचे आपको बाय बटन देखने को मिलती है। इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जितने भी संख्या में आप डिविडेंड लेना चाहते हैं या आप रिजल्ट के आधार पर आप प्ले करना चाहते हैं तो वो संख्या आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको जो अमाउंट लगता है ये लगता है 72,159.50 लगता है, लेकिन अगर आप एंजल वन की मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट है 15,030.82 रुपीज़ में ही आपका यहाँ पे कामकाज हो जाता है। और यहाँ पे आपको 10,000 तक के अगर आप मार्जिन लेते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस यहाँ देना नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 10,000 से ऊपर का मार्जिन लेते हैं तो आपको यहाँ पर लाख पे 49 रुपीज़ पर डे आपको चार्जेस यहाँ पे करने होते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे दी गई बाय बटन पे प्रेस करना होता है, कंफर्म बाय करना होता है, ऑर्डर आपको यस प्रेस करना होता है, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एंजल वन एप्लीकेशन में किसी भी स्टॉक में आप अच्छी खासी रैली के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक के अपना डिमेंट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमेंट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें, उसकी शानदार सर्विसेज का लाभ लें। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।